कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वरदक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः हरे रमण बिहारे रमण बिहारी दुनिया से संस्कृति उत्सव और पर्वों की संस्कृति। ये उत्सव और पर्व किसी भोग विलास इत्यादि को निमित्त करके नहीं संपादित किए जाते। इन उत्सवों की एक विचारधारा होती है, एक हेतु होता है, विधि होती है इत्यादि। विशेष करके इनका मुख्य प्रयोजन है जीव का कल्याण। जीव का कल्याण तो सदा है, परंतु जो विघ्न बाधाएं आ गई उन विघ्न बाधाओं की प्रतिबंधकों की निवृत्ति के निमित्त कर्तव्य कर्तव्य के निर्णय में सचेतता की प्रेरणा देने का कोई न कोई हेतु प्रत्येक उत्सव में प्रत्येक पर्व में श्रावण पूर्णिमा है। श्रावणी पर्व है आज के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन रक्षा निर्माण की एक विधि होती है, किसी देश में ऊन या सूती कपड़े के अंदर स्वर्ण दुर्वा अक्षत इत्यादि रत्नों को रख करके मंगल कलश स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है और तदनंतर उस रक्षा सूत्र को पुरुष के दाहिने हाथ में बांधने की परंपरा है। प्राय ब्राह्मण देवता जैन बद्धो बलि राजा तानी इस मंत्र का उच्चारण करके बंधन करते हैं और उनको फिर बंधन करना शुरू किया जाता है।
परंपरा से भाई अपने बहन के द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, बहन उनके लिए मंगल कामना करती, आयुष्य भी सुख करती है। रात्रि बहुत प्रसिद्ध घटनाएं हमारे इतिहास में भी, यवनों को भी राखी भेज करके और हमारी घर नाव में अपनी रक्षा की व्यवस्था की। युद्ध के समय इंद्राणी ने इंद्र के निमित्त रक्षा सूत्र का पूजन इत्यादि कला के प्रति स्वीकार कराया। बहुत प्रसिद्ध घटना है हमारे राजा बलि के यहाँ, जब भगवान प्रतिबद्ध हो गए तो लक्ष्मी जी को असह हुआ, तब उन्हें राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांधने बलि ने मिले उनके प्रति को प्रसिद्ध करना है। इस दिन श्रावणी पर्व कर्म ही होगा तो ये बहुत, जैसे वो हमारे कर्मों का स्मरण करता है वैसे माकल भी। साधकों के जीवन में प्रमाद न होने पाए, वेद के जो निर्देश हैं उनसे सुखलन न, स्वाध्याय प्रयोजनाभ्याम माँ प्रबोधेद का आदेश, स्वाध्याय धेतव्य इत्यादि के द्वारा उनका निर्देश दिया गया है। उन व्यवस्था पूर्वक परंपरा पूर्वक वेदाध्ययन करने में हम सतत संलग्न रहे, उपाकर्म का अगर वास्तविक अर्थ देखो तो वेदाध्ययन है। वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल उसी को दोहराना नहीं, वेद में जो हमको निर्देश दिए हैं दो प्रकार के निर्देश हैं, एक कर्तव्य के और एक अकर्तव्य, एक को विधि कहते हैं और एक को निषेध। विधि निषेध में जो आदेश है वेद के उनका सबको पालन करना ही, हम निरंतर जागरूक रहे उनका स्मरण रहे, इसलिए ये आयोजन किए जाते हैं। बहुत विशाल कार्यक्रम होता है, आचार्य लोग अपने शिष्यों के सहित इस उपाकर्म को श्रावणी कर्म को संपादित करते हैं। विशेष प्रकार के पूजन है, विशेष प्रकार के औषधियों का सृजन है और वर्ष में एक दिन आज एक महत् संकल्प किया जाता है कि ये हमसे प्रायश्चित होकर का यदि अपने स्खलन हो जाए, यदि हमसे अपने कर्तव्य में तो उनसे उनके हमारी रक्षा हो, उसके लिए प्रायश्चित का संकल्प कर लेना। ये संकल्प का तात्पर्य है कि हम जागरूक रहे कि क्या हमको करना है क्या हमको नहीं करना है, और इसलिए उन संकल्पों को दोहराया है। बहुत संकल्प है हमारे विद्वान आचार्यों ने आज यहाँ करवाया ही है। यहाँ अब परंपरा लुप्त सी हो गई है, हमें प्रसन्नता है कि आपकी संस्था में ये कर्म अभी भी सविधि संपन्न किया जाता है। आसपास के अन्य भी यज्ञों को थाली खा करके उसमें सम्मिलित होते हैं, उन्हें सादर सम्मिलित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, कर्म है, प्रमाद हो रहा है।
यज्ञों पवित्र बड़ा पवित्र सूत्र है, तीन सूत्र मुख्य है, उसको छह धारण करते हैं उत्तरदायित्व के निर्वाह की दृष्टि से पढ़ने का। और एक कभी कोई शरीर से कुछ ऐसा प्रमाण उपवस्त्र के रूप में भी एक यज्ञ के तीनों तंतु सार्थक हैं, उनके हेतु हैं, उनके संकल्प हैं, जो उनके ब्रह्म ग्रंथि होती है उनका भी विशेष महत्व है। निरंतर यज्ञों को भी शरीर में रह करके, शरीरी हो या देहधारी को, उसके कर्तव्य का निर्देश करता है 24 घंटे। अगर किसी भी प्रकार से कर्म का स्खलन हुआ तो यज्ञोपवीत शुद्ध हो जाता है, जीर्ण होने पर भी उसको विदा किया जा सकता है। तो जीर्ण यज्ञोपवीत को करके उसको नीची से उतारते हैं और नया यज्ञोपवीत पूजा करके और उसके भक्त को सिधा। अन्य सब हेतु होने के साथ साथ हमें ये तीनों सूत्र अपने ऋषि ऋण, अपने देव ऋण और अपने पितृ ऋण का स्मरण कराते हैं। ये तीनों प्रकार के ऋण से ऋण वाला होकर के जीव उत्पन्न होता है, अधमर्ण बन के उत्पन्न होता है। अपने इन तीनों प्रकार के कर्तव्यों का, अनुष्ठानों का पालन करने के अनंतर जो अपने तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है उसे उत्तमर्ण कहा जाता है। हर जीव को उत्तमर्ण बनने की चेष्टा करनी है या जीवन प्रयास करना है। तो हम ऋषि ऋण, ऋषियों का हमारे पर अनुग्रह उनका ऋण, हमारे पितरों ने अपने वंश में जन्म दिया उनका ऋण, और देवताओं ने हमें समय पर वायु प्रकाश इत्यादि सब प्रदान किया है सामर्थ्य उनका ऋण। तो देव ऋण के अथवा उत्तमता के लिए हम यज्ञयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं। पितरों का ऋण उसको रद्द करने के सुसंतान भी उत्पन्न करके और संस्कार कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं, उत्तम संतान की परंपरा को आगे बढ़े, क्योंकि वंश सूत्र न उच्छे, वंश सूत्र का उच्छेद नहीं करना ही बहुत बड़ा कर्तव्य है। और ऋषि हमको, ऋषियों ने अपने मंत्र दृष्टा होने के कारण जो सत्य की अनुभूति की वो हमको प्रदान किया है, हम उनके अधमर्ण हैं। उसके विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के द्वारा अपनी इस अधमर्णता का निवारण करके उत्तमर्णता की प्राप्ति की जाती है। तो जो अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकते, अध्ययन अध्यापन में सहयोग करके भी इसका उत्तमता की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस दृष्टि से हम निरंतर जागरूक रहें, अहर्निश जागरूक रहें, इसलिए यज्ञोपवीत के रूप में निरंतर हमारे साथ रहता है। श्रावणी कर्म के दिन विशेष करके यज्ञोपवीत की परिवर्तन करने की विधि है। तो ये बहुत पवित्र कर्म है, आजकल प्रायः इसका लोग स्मरण नहीं कर पाते हैं, अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। जो लोग साधक हैं कम से कम उन्हें तो इस कर्म के लिए अवश्य सचेत होकर के इस कर्म को पूर्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए ही है, आत्मकल्याण के द्वारा ही जगत कल्याण हो सकता है।
आश्रय लेकर सब कर्म का अनुष्ठान करें। तो रक्षाबंधन भगवान रक्षा करे हम सबकी, मित्रों के आशीर्वाद हमारी रक्षा करे। श्रावणी कर्म के द्वारा हम अपने कर्तव्य कर्तव्य का बोध प्राप्त करें। इस मंगल कामना के सहित आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए दीपावली को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।